सो गाइस अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो अभी नहाने जाते हैं और स्टूडियो चल के मिलते हैं फिर आप लोगों से। और इधर बाबा आए, बाबा देख रहे हैं ब्लॉग। बुरा लग रहा है यार उसे। वाह भाई वाह, बढ़िया। ऐसी व्यूज बढ़ाते जाओ, सपोर्ट करते जाओ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। चलिए कैसे आप लोग? होपली अगेन बहुत बड़े होंगे, मैं ही बहुत बड़े हूँ। सो गाइस फाइनली मैं अभी स्टूडियो पहुंच चुका था, बहुत ही जल्दीबाजी में आया हूँ और आज लेट हो गया था स्टूडियो के लिए। भैया को मैंने अपॉइंटमेंट दी थी 11:30 बजे की और मैं पहुंचा हूँ 12 बजे और 5 मिनट में 9 कॉलें करी हैं भैया ने। वाह सलूट है भैया आपको। अभी भैया का पोर्ट्रेट टैटू होने वाला है, फिर आप लोगों को भैया से ही मिलवाता हूँ और बने रहेगा मेरे इस ब्लॉग के साथ। तो गाइस इधर भैया आ चुके हैं, भैया का पोर्ट्रेट टैटू है तो पोर्ट्रेट टैटू मैं भी दिखाता हूँ। मॉम का टैटू है तो बनने वाला है, कैसा लग रहा है भैया? बढ़िया। फर्स्ट टैटू है आपका? यस। अच्छा, कहाँ देखा? बहुत दर्द है, बस पेन कितना होगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। अच्छा, कहाँ देखा था आपने? मैंने देखा तो बाइक का जो बनाया था आपने। अच्छा। तब से 1 साल पहले देखा था, अब आया हूँ बनवाने। अच्छा। सो गाइस इधर आ चुका है भैया का पोर्ट्रेट, भैया की मॉम का पोर्ट्रेट तो भैया के हाथ पे बनने वाला है। तो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है। तो गाइस कुछ ऐसा हुआ है भैया का भी पोर्ट्रेट, तो अभी आउटलाइन वगैरह हुई है जैसा आपने देखा। अभी गए हैं अमन खाना लेने, लंच लेने। आज मैं लंच लाया नहीं था तो आज हम लोग बाहर का ही लंच करेंगे। इसमें जो भी आउटलाइन की कमी है वो अभी मैं पूरा कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग शेडिंग वगैरह करेंगे। सो गाइस कुछ इस टाइप से अभी शेडिंग चल रही है पोर्ट्रेट में और अभी हाफ शेडिंग हुई है, इसमें बहुत लाइट दिख रहा होगा तो अभी देखते हैं कि कैसा होने वाला है। सो गाइस अभी जैसे आपने देखा कि अभी शेडिंग वगैरह हो चुकी है तो अभी मैं जाके लंच कर लेता हूँ, मैं और अमन। और बाकी भैया आप लोग कुछ खा लो यार। कुछ खाओगे? मंगाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग कुछ खा लेते हैं, अभी लंच कर लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस फाइनली अभी लंच वगैरह तो कर लिया हमने, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं भैया का टैटू और देखते हैं कि अगली बार कैसा दर्द रहेगा और क्या रहेगा। तो अभी देखते हैं और पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस वो वाला पोर्ट्रेट टैटू तो कंप्लीट हो चुका था, मॉम वाला जो अभी आपने देखा थोड़ा सा। तो अभी उसके बाद में एक डैड का था तो उन्होंने अपने डैड का पोर्ट्रेट कराया। तो अभी हमारे भैया आए, उनके हेयर और बियर्ड देख के आप लोग बिल्कुल फैन हो जाओगे और कमेंट्स बरसा दोगे आज इस वाले ब्लॉग में, मुझे लग रहा है। सो गाइस इधर भैया हैं, भैया का नाम कौशल है और बियर्ड और हेयर दोनों ही मतलब लाजवाब हैं बिल्कुल। और भैया ने रिसेंटली हमसे टैटू कराया था। कौन सा टैटू? भगत सिंह जी का। ये भगत सिंह जी का टैटू था तो बहुत ही ज्यादा अभी क्लियर है और बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। कुछ भैया बताइए अपने बारे में। मेरा नाम कौशल है और मैं वैसे तो चंदौसी का रहने वाला हूँ, अभी कुछ दिनों से लगभग पिछले 4 महीने से मुरादाबाद में ही रह रहा हूँ। बहुत समय से सर्च कर रहा था कि भगत सिंह जी के टैटू के लिए परफेक्ट एक स्टूडियो कहाँ मिलेगा और परफेक्ट टैटू आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा, और पिछले करीब 6 महीने से सर्च कर रहा था। और उसके बाद मुरादाबाद में संजू भाई मुझे मिले और मैं बेहद खुश हूँ इनके इनके वर्क से, इनके काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और अभी ये थोड़ा सा इसमें काम रह गया था, एक इनकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जी की 2 लाइन, वो मैं आज कराने आया हूँ। थैंक यू। अभी करते हैं भैया आपका टैटू। और आप कहाँ से हैं भैया? मैं यहीं से हूँ बराबर से। ऐसा है ना, मुझे बहुत मैं लेटा हुआ हूँ यहाँ पे। हाँ, मैंने पूरे दिन वर्क कराया गाइस, तो थक गया था। और ये जो मेरा मोजिटो है ना, मोजिटो पहले मैं इसे सोडा वोडा बोल रहा था पता नहीं क्या क्या, बट मोजिटो अब भी रखा है। सॉफ्ट की फिनिश हो गई, अभी ये भी गर्म हो गया। हाँ गर्म हो गया। हाँ तो मैं अभी भैया से कुछ पूछ रहा हूँ अपने बारे में कि मैं सकल से लगता कैसा हूँ। मैं चोमू लगता हूँ या मैं क्या लगता हूँ, मतलब एक होता है ना तो अभी बताएंगे। भैया बताओ जरा क्या लगता हूँ? राहुल गांधी बढ़िया लगते हैं वैसे तो, इनोसेंट लगते हो। यही तो होता है, कैमरा खोल के किसी से ही बात पूछो तो झूठ ही बोलेंगे, पीछे से आवाज जो आएगी, और जो आगे से आएगी वो सच बोलेंगे। तो भीड़ में से पीछे से आवाज आती है ना, वो हमेशा झूठ होती है। जो पीछे से आती है वो सच होती है, कुछ नहीं सच होती यार, बिल्कुल कच्ची कर दी मेरी तो। सो गाइस अभी भैया का टैटू कंटिन्यूसली चल रहा है और मेरी मोजिटो भी खत्म हो गई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ एग रोल लेने। अब हम लोग एग रोल खा लेते हैं, पहले कैमरा लेके तो नहीं जाऊंगा क्योंकि अकेला हूँ मैं, किसी ने मार के छीन लिया तो फिर दिक्कत होगी। हाँ तो अभी इधर भैया का टैटू चल रहा है, मैं अपने लिए और अमन के लिए एग रोल लेने जा रहा हूँ और भैया के लिए वेज रोल लेके आएंगे। तो गाइस भैया का एक टैटू तो हो गया था कंप्लीट और दूसरा टैटू रह गया था, तो उसमें कुछ थोड़ा डाउट रहा कि मतलब अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लाइक कैलीग्राफी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी।
तो ऐसा कुछ रहा आज का दिन। होपफुली अगर आप लोगों को यह व्लॉग पसंद आया इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, क्या ब्लॉग में चेंजेस करने चाहिए और किस टाइप के मुझे ब्लॉग शूट करने चाहिए। आप लोग नहीं बताओगे तो यार कौन बताएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, लव यू। She wanna chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a d- but I never get feelings to shorty.